नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। बिहार में चर्चित आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने चारा घोटाले को लेकर कई बार जेल जा चुके हैं और फिर से डोरंडा कोषागार में उसे लेकर सुनवाई लगातार चल रही है। अब ऐसे में बिहार के समर्थक और उनके कई समर्थक और उनके परिवार के जन उनकी दुआओं में लगे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं कि फिर से उनकी सेहत पे पिछली बार की तरह कोई असर ना पड़े और वो सुरक्षित रहे और उन पे कोई आंच ना आए। आपको बता दें कि बिहार के चर्चित चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार से फर्जी निकासी मामले में रांची के सीबीआई कोर्ट में हर दिन सुनवाई हो रही है। बचाव पक्ष की ओर से मंगलवार से पक्ष रखा जाएगा। इससे पहले 7 अगस्त को अभियोजन पक्ष की बहस पूरी कर ली गई थी। जानकारों का मानना है कि इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद वो दिल्ली में रह रहे हैं और वहीं से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो हर एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हर एक कार्यक्रम को अपनी ओर से, उनकी सक्रियता का असर बिहार की राजनीति पर भी खूब पड़ रहा है। भले ही इसकी सुनवाई झारखंड के डोरंडा कोषागार में हो रही हो, लेकिन बिहार में उनके समर्थकों की भीड़ कम नहीं है। बिहार में भी उनके समर्थक उनकी दुआओं में लगे हैं कि वो भली भांति और सुरक्षित तरीके से वापस आ जाए और सभी की निगाहें इस बार सुनवाई होने वाली है डोरंडा कोषागार में उस पर टिकी हुई है कि कहीं फिर से लालू यादव को चारा घोटाले में जेल न जाना पड़े। अब आगे देखना ये होगा कि डोरंडा कोषागार के चारा घोटाले के मामले में डोरंडा कोषागार में जो सुनवाई होने वाली है उसमें आगे क्या फैसला लिया जाता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ।